नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ज़बान हिंद पर। आज ज़बान हिंद आप सभी लोगों के लिए अपने पुराने श्रृंखला की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए यानी हिंदनामा की तीसरी सॉरी चौथी कड़ी को आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रहा है। आशा है कि आप पहले की भांति इसको अपना प्रेम उसी प्रकार देंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस कड़ी में 18वें नंबर की कविता के साथ, और इसको हम पढ़ रहे हैं इस किताब से। और ये किताब वाकई बहुत कमाल की से आप सब खरीद सकते हैं, बहुत आसानी से अवेलेबल है अमेज़न वगैरह पर। वही शुरू करते हैं। गुणमति से शास्त्रार्थ में पराजित से अपमानित, गुणमति से शास्त्रार्थ में पराजय से अपमानित, मरणासन माधव गुप्त ने अपने स्त्री सुरमती से कहा, अपने स्त्री सुरमती से कहा, तुम बुद्धिमती हो, मेरी अप्रतिष्ठा को भूल मत जाना, मेरी अप्रतिष्ठा को भूल मत जाना। पति मृत्यु से आहत सुरमती जब शास्त्रार्थ के लिए पहुंची तो गुणमती ने यह हिंसक वाक्य कहा। गुणमती ने यह हिंसक वाक्य कहा, जिसने तुम्हें विकल किया, उसे मैं विकल कर चुका हूँ, सॉरी उसे मैं विकल कर चुका हूँ। यह सुनकर बिना शास्त्रार्थ किए ही सुरमती लौट गई। इस महादेश में जितने भी शास्त्रार्थ थे, रक्त रंजित थे, रक्त रंजित थे। तो कविता संख्या 19। तब मनोहरित ने अग्नि और धुएं का प्रश्न उठाया। तब मनोहरित ने अग्नि और धुएं का प्रश्न उठाया। इस पर सब चिल्ला उठे कि यह पद योजना अशुद्ध है। धुएं के बाद अग्नि होनी चाहिए। मनोहरित ने कुछ कहना चाहा, पर सुनवाई नहीं हुई। तब मनोहरित ने खिन्न होकर अपने शिष्यों को कहा तब मनोहरित ने खिन्न होकर अपने शिष्य को कहा, यहाँ न्याय नहीं है, अज्ञान का निवास है। और मर गया ऐसे ऐसे बर्बर शास्त्रार्थ और मर गया ऐसे ऐसे बर्बर शास्त्रार्थ इस भूमि पर हुए हैं ऐसे ऐसे बर्बर शास्त्रार्थ इस भूमि पर हुए हैं इस महादेश में इस महादेश में विद्वान वधिकों की एक लंबी परंपरा चली आती है। वही अगली कविता पर चलते हैं। कविता संख्या 20। जिसके उत्तुंग शिखरों पर हमारा ठिकाना था, वह हिमालय इस पृथ्वी को नापने का पैमाना था। वह हिमालय इस पृथ्वी को नापने का पैमाना था। इस महादेश में एक ऐसा भी जमाना था इस महादेश में एक ऐसा भी जमाना था। आइए अगली कविता की तरफ बढ़ते हैं। कविता संख्या 21। यह महादेश शताब्दियों से जलता हुआ एक पुस्तकालय है। यह महादेश शताब्दियों से जलता हुआ एक पुस्तकालय है। एक विशाल मणिकर्णिका घाट
एक विशाल मणिकर्णिका घाट, एक अखंड धूना, एक अखंड धूना जिसकी राख दशों दिशाओं में उड़ती रहती है, जिसकी राख दशों दिशाओं में उड़ती रहती है। कविता संख्या 22। इस पवित्र भूमि पर पग पग पर छाया थी, इस पवित्र भूमि पर पग पग पर छाया थी, डग डग पर रोटी, पग पग पर छाया थी, डग डग पर रोटी, पग पग पर नीर, कदम कदम पर पूजा स्थल थे, कदम कदम पर पूजा स्थल थे, और कदम कदम पर और कदम कदम पर बद्ध स्थल, और कदम कदम पर बद्ध स्थल। आज इस श्रृंखला को यहीं समाप्त करते हैं, आगे की श्रृंखला अगली कड़ी में रखेंगे। तो इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और अपनी इस पुस्तक जिसके लेखक हैं कृष्ण कल्पित साहब, तो ये किताब पढ़ी जानी चाहिए, आप इन कविताओं के माध्यम से ही समझ सकते हैं। कविताएं ही पूरे कविताओं की ही श्रृंखला है इसके अंदर। तो इसी के साथ मैं आप सब से विदा लेता हूँ। खुदा हाफिज़। हर हर महादेव। ख्याल रखिए आप सब लोग अपना। हर हर महादेव।